नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में बंदियों के जीवन सुधारने के लिए और उन्हें बेहतर जीवन यापन के लिए रोजगार के लिए ड्राइविंग हथकरघा ओपन जेल में आमजन के बीच में उनके सजायाफ्ता बंदी चाय और नाश्ता की दुकान चला रहे हैं, जिससे उन्हें आने वाले समय में एक बेहतर जीवन जीने की कला और व्यापार रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जिला नगर कांग्रेस ने बताया कि साल भर में 13 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें जेल में निरुद्ध बंदी एवं अपराधियों को विभिन्न प्रकार के पकवान भोजन विशेष डाइट के तौर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय कारागार कभी यात्रा गृह हुआ करता था, साथ ही में आर्य केंद्रीय कारागार सुधारा लय के रूप में नशा मुक्ति के रूप में चलित है। जेलर मदन कमलेश ने बताया कि जेल में सभी त्यौहार सुख शांति से मनाए जाते हैं, जैसे बाहर की दुनिया में हो हल्ला होता है, त्योहारों में अधिक से अधिक अपराध होते हैं और मदिरा पान एवं दूसरे नशों का उपयोग कर भारतीय त्योहारों को बदनाम किया जाता है, लेकिन जेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जेल एक नशा मुक्ति केंद्र सुधारालय के तौर पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर ईश्वर की भक्ति और योगा जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं और गणेश जी के त्यौहार में गणेश जी की मूर्ति बनाना और साथ ही में गोबर मिट्टी आदि से नवरात्र में मां भगवती की मूर्ति बनाकर जेल में निरुद्ध बंदियों द्वारा एक विश्वास स्थापित किया जाता है कि जब भी याफ्ता जो कि सच में जो बंदी है या जेल से बाहर निकलेंगे तो समाज में एक बेहतर जीवन जिए और साथ ही उन्होंने यूके बेहतर जीवन के लिए जेल में चलाई जा रही योजनाएं नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे उपचार संबंधित समस्त जानकारियों से अवगत कराया। पहले जेल किसी समय में यातना ग्रह थे, क्योंकि अब सुधार ग्रह हो गए हैं, कुछ लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता इसलिए जो उंगलियां उठती हैं। अभी खुली जेल में हमारे 5 बंदी हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इसी तरह पूर्व में जो जेल ब्रेक कांड भोपाल हुआ था 5 वर्ष पहले, तो उसके बाद से बंदियों को सुविधाएँ जो थी, जो बाहर से परिजन सामग्री दे देते थे घर का, बिस्किट वगैरह नमकीन जो स्नैक्स का आइटम है, तो वो बंद हो गया था तत्काल प्रभाव से। चूँकि अभी अभी जेल विभाग ने चालू की है प्रक्रिया, तो कुछ सामग्री जो है वो निजी हाथों से ना जाकर शासकीय हाथों से जाए, तो बंदियों के परिजन से ना देकर कैंटीन के माध्यम से जेल विभाग को बंदियों को उपलब्ध कराए। इसमें नए नए दिशा निर्देश जारी हुए जिसमें अधिकतम एक बंदी एक माह में 1,000 रुपये की सामग्री ले सकेगा, हफ्ते में 250 रुपये की। उसमें रोज़मर्रा की कुछ सामग्री है जो हम लोग जेल में बुलवाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में प्रिंट रेट से अधिक दर ना हो, कम दर पर ही हम लोगों के द्वारा बंदी को उपलब्ध कराई जाती है। और जैसा कि देखा जा रहा है, किस किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जेल परिसर के अंदर सजायाफ्ता बंदियों को कि आगे चल के उनका जीवन सुदृढ़ और सक्षम बन सके? बंदियों को वर्तमान में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत 4-5 ट्रेड है, उसमें प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और अंदर हमारे यहाँ कारखाने हैं, फैब्रिकेशन है, कारखाना है, कारपेंटिंग कारखाना है, प्रिंटिंग प्रेस है, तरह तरह के हैं, मूर्तिकला प्रशिक्षण है। वर्तमान में ही अभी विगत दिवस जो दशहरा पर्व हुआ है, तो बंदियों द्वारा ही इको फ्रेंडली मूर्ति गोबर और मिट्टी की बनाई गई थी, जो नेचुरल कलर किया गया था। गणेश जी भी बनाए गए थे, कुछ विक्रय भी किए गए थे, कुछ जेल में भी रखे गए थे। इसी तरह नवदुर्गा के समय में नवदुर्गा की मूर्ति बनाकर बंदियों के द्वारा हर्षोल्लास के तहत अनुशासन में रहकर यह त्यौहार मनाया गया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।